राधे राधे। महाराज आपने जैसे बुलाना धोती पहनो। हाँ जी ठीक है, मेरे पास धोती है सब कुछ है। मैं रहता हूँ उस कॉम्प्लेक्स में जो बड़े लिखे लोग हैं। हाँ हाँ बहुत सुंदर। अगर मैं धोती पहन ली लोग चरण छूने की लाइन लग जाएगी, मैं क्या करूँ, मेरे बड़ी दिक्कत होती है। आपको बुजुर्ग समझ गया चरण छूता है तो मैं लड़ पाता हूँ। अच्छा आप एक बात बतलाइए, जिस धोती की इतनी महिमा है कि आपके पहनते ही लोग आपके पैर पड़ने लग जाएंगे, उस धोती को पहन के आप भजन करेंगे तो आपके जीवन में कितनी दिव्यता आ जाएगी। धारण करने से इतना परिवर्तन आ रहा है तो उसके जब तप करेंगे तो कितना दिव्यता जीवन में आ जाएगी, आप खुद सोच लीजिए। आपकी बात ठीक है पर मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता। आप स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं, आप कहना यह चाह रहे हैं कि मैं एक पढ़े लिखे लोगों की कॉलोनी में रहता हूं और मैं धोती पहनूंगा तो लोग मुझे कहीं ऐसा ना समझें कि अरे गवार है अनपढ़ है। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे प्रणाम कहीं करते हैं, मैं प्रणाम किसी से नहीं करवाना चाहता। मेरे तो आपको बाहर थोड़े जाना है पहन के, अपने घर में पूजा करने के लिए कहा है हमने। और मैं पूजा कर रहा हूँ तो शिव जी को जल चढ़ा जाए तो फिर कपड़े फिर बदलो, कोई हर्ज नहीं है। देखिए लोग समझ जाएंगे, आप लोगों को दूर हटाइए, आप लोगों से अपने आप को बचाइए, वो तो हमारी अपनी जिम्मेवारी है। लेकिन हमने तो कहा है घर के अंदर हम जो पूजा पाठ करें, अब आप जल चढ़ाने जा रहे हैं, यदि नज़दीक शिवालय है तो आप पहन के जाइए, अन्यथा आप अपने जैसी सुविधा हो वैसा पहन के जाइए। इस बात का संकोच बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए कि हम लोग धोती पहनेंगे कि तिलक लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। ब्राजी, कोई छूले तो मेरा धन कट जाता है भक्ति का। तो देखो आप पैर आप नहीं छुलाना, देखो ऐसा तो हमें नहीं लगता कि जबरदस्ती लोग पैर छुएं। जब आप एक बार मना कर देंगे कि भाई मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे पैर नहीं छुआना है, मुझे अपना पूजन पाठ करने दीजिए, तो लोग क्यों पीछे पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा सा अपने आप को बचाइए और लोगों को समझाइए, हम लोग तिलक लगाएं तो लोग क्या कहेंगे, पढ़े लिखे समाज में हम रहते हैं। मान लीजिए कक्कड़ जी का ऐसा प्रश्न नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसी बात रखते हैं, हम धोती पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम चोटी रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, आजकल लोगों को ये भय रहता है। आप विचार करिए, हमें गलत काम करने में भय नहीं लगता, चोरी करने में, झूठ बोलने में, व्यभिचार करने में, ऊटपटांग काम करने में, वहां भय नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अपने सनातन धर्म के चिन्हों को धारण करने में, अपने सनातन धर्म के उन स्वरूप को धारण करने में, जिससे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, हमारे धर्म की रक्षा होती है, हमारे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता है, ऐसे कामों को करने में हमें लज्जा महसूस होती है, ये शर्म की बात है। अरे आप देखिए दूसरे धर्म के लोगों को, किसी धर्म पर टीका टिप्पणी करना हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन प्रेरणा ले सकते हैं कि वो लोग टोपी पहनने, जैसे टोपी पहनते हैं मुस्लिम लोग, तो वो टोपी पहनते हैं, कितने भी बड़ी सभा में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वो टोपी धारण करते हैं। तो जैसे वो निष्ठा से करें, हम लोगों को भी करना चाहिए कि हमें धोती पहनना चाहिए, हमें तिलक लगाना चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं। वो जैसे उनकी महिलाएं बुरखा पहनती हैं तो पहनती हैं, बाजार में जाएं, मॉल में जाएं, जहां मर्जी जाएं, तो हम लोगों को भी अपने उन स्वरूप के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि जो क्रिश्चियन स्कूल है ना मिशनरी, वहाँ हमारे बच्चों को ऐसा सिखा दिया कि तिलक मत लगाओ, हाथ में रक्षा सूत्र मत बांधो, सिखा मत रखो, क्योंकि वो चाहते थे कि अंदर से तो ये पूरी तरह डाइवर्ट हो जाएं, ऊपर से भले ही हिंदुओं के बच्चे रहें, अंदर से इनका जो है क्रिश्चनीकरण हो जाए। तो हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार डाल दिए गए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में गुरुकुलों की परंपरा लौटनी चाहिए और गुरुकुलों की स्थापना शहर शहर में जगह जगह होना चाहिए, ताकि हमारे सनातन धर्म सुरक्षित रह सके और हमारे संस्कृति बनी रहे।